हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रमोद। आपके चैनल भैया जी टेक में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के डेट में हम जब भी कोई थर्ड पार्टी लॉन्चर यूज करते हैं तो उस लॉन्चर के साथ बहुत सारे प्रॉब्लम हमें देखने को मिलते हैं। सबसे बड़ी बात है कि जो हम लॉन्चर यूज करते हैं उसकी साइज आज के समय में काफी बड़ी होती है, जिस वजह से हमारा फोन जो होता है वो लैग करता है और उसके साथ साथ बैटरी ड्रेन की भी इशू हमारे फोन में देखने को मिलती है और बहुत सारे जो लॉन्चर हैं उसमें ऐड भी देखने को मिलती है। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में एक ऐसे लॉन्चर के बारे में बात करने वाला हूं जिस लॉन्चर में बहुत कुछ कस्टमाइज करने के ऑप्शन आपको तो मिलते ही है और साथ में आपको ऐप ड्रॉअर भी मिल जाएगा। और साइज की बात करें तो दोस्तों, बहुत छोटा साइज है, 3 से 4 MB के आसपास की साइज है। और मैं बता दूं दोस्तों, मैं इसको 1 महीने से ज्यादा हो गया यूज करते हुए हमारे वीवो V15 Pro में किसी प्रकार की बैटरी ड्रेन की इशू या फोन लैग नहीं कर रहा है, इसलिए मैं आपको इस लॉन्चर के बारे में बात कर रहा हूँ। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक करिएगा। हाँ दोस्तों, चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सबसे पहले इस लॉन्चर के फीचर की बात कर ले तो आपको खाली स्पेस पे लॉन्ग प्रेस करना है, सेटिंग से चले जाना है, सबसे ऊपर आ रहा है यहाँ पे ग्रिड साइज, इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि कॉलम कितना चाहिए, रो कितना चाहिए, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से सेलेक्ट करके यहाँ से सेट कर सकते हैं। तो ये जो ऑप्शन है वो आपके होम स्क्रीन पे दिखाई देने लगेगा। उसके नीचे आएंगे तो देख सकते हैं शो गूगल एप्स, इसको ऑन कर देंगे तो अगर आप फोन को राइट स्वैप करते थे तो जो भी गूगल के न्यूज आते हैं आप यहां से देख सकते हैं कि क्या कुछ गूगल के न्यूज आए हैं। ये भी काफी अच्छा फीचर आपको देखने को यहां पे मिल रहा है। और उसके नीचे आएंगे तो दोस्तों, यहां पे रोटेशन का ऑप्शन मिलता है, ये भी काफी कमाल का फीचर आपको देखने को मिल रहा है। इसको ऑन कर देंगे तो आप अपने फोन को लैंडस्केप में भी यूज कर सकते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे जो होम स्क्रीन है वो लैंडस्केप में चला जाएगा। काफी अच्छा फीचर आपको इस लॉन्चर में देखने को मिल रहा है। और दोस्तों, उसके नीचे आएंगे तो देख सकते हैं स्वैप डाउन टू शो नोटिफिकेशन, इसको ऑन कर देंगे तो आप अपने फोन को स्वैप डाउन करेंगे तो जो भी नोटिफिकेशन होगा वहां से आप देख सकते हैं। ये तो ये सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल रहे हैं। और नीचे आएंगे तो देख सकते हैं ऐड आइकॉन टू होम स्क्रीन, आप अपने हिसाब से जो भी आइकॉन होम स्क्रीन पे ऐड करना चाहते हैं वहां से कर सकते हैं। और दोस्तों, नीचे आएंगे तो देख सकते हैं यहाँ पे डार्क थीम का ऑप्शन मिल रहा है, इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन मिल रहा है, एक तो ऑटो है, डिसेबल है, ड्रॉअर है, फुल है। अगर आप ड्रॉअर को ऑन कर देते हैं तो केवल जब आप ऐप ड्रॉअर यूज करेंगे तो केवल ये डार्क मोड आपका ऑन हो जाएगा, बाकी ऐसे ये नॉर्मल रहेगा। तो ये भी काफी अच्छा फीचर आपको देखने को मिल रहा है। तो नीचे आएंगे तो देख सकते हैं आइकॉन शेप, इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे 4 ऑप्शन मिलते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आइकॉन के शेप एंड साइज रखना चाहते हैं यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं और उसको यूज कर सकते हैं। तो ये भी काफी अच्छा फीचर मिल रहा है। और आप नोटिफिकेशन डॉट को यूज करना चाहते हैं तो इसको क्लिक करके नोटिफिकेशन डॉट कर दीजिएगा तो इसको सेटिंग का ऑप्शन मांगेगा, तो वहां से जाके इसकी सेटिंग कर सकते हैं। अब दोस्तों, बात कर लेते हैं इसके विडगेट के बारे में। तो इसको लॉन्ग प्रेस करना है, आप देख सकते हैं विडगेट का ऑप्शन ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आपको मिल रहे हैं, आप यहाँ पे क्लॉक के साथ आप अपने अकॉर्डिंग अपना नाम लिखना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पे लॉन्ग प्रेस करके इसको होम स्क्रीन पे ला सकते हैं, आप देख सकते हैं, और यह क्रिएट कर दीजिएगा। और यहाँ पे अगर नाम अपना लिखना है तो नाम लिख सकते हैं या कुछ और लिखना है तो लिख सकते हैं, और साथ में इसका कलर भी आप यहाँ से सेलेक्ट करके इसको डन कर देंगे तो यह आपके होम स्क्रीन पे दिखाई देने लगेगा। तो ये भी काफी अच्छा फीचर आपको देखने में को मिल रहा है। तो दोस्तों, ये तो रहा इसके फीचर के बारे में। और इसको डाउनलोड और इंस्टॉल कैसे करना है तो सिंपल सा तरीका है दोस्तों, मैं आपको एक लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, उसको जाके डाउनलोड कर लेना है, एपीके फाइल है, बड़े आसानी से आप यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए।